फ्रेंड आज हम सीखेंगे पैंट में डिज़ाइन बनाना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैंट है जिसमें हमको डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से हमको एक कपड़ा लेना है जो हमने पहले ही से काट लिया है। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप यहाँ से देखेंगे 3 इंच है और लंबाई यहाँ से 3 इंच है। तो लंबाई चौड़ाई आप सेम रख सकते हैं इसको। और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे फोल्ड करते हुए। तो फ्रेंड इस तरह से डिज़ाइन बनाना है और इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमको और भी तैयार कर लेना है। तो पहले से हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पहले से तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में रखेंगे और पैंट लेंगे जिसमें हमको डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा ट्राउज़र पैंट है जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसको हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा के इसको हम अटैच करेंगे। और उसके बाद दूसरा लेंगे, दूसरा भी सेम इसी तरह से। तो इसी तरह से अटैच कर लेना हमको एक के बाद एक। इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे। फ्रेंड बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करें, एक के बाद एक इस तरह से अटैच करना है। फ्रेंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ये बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से बराबर करते हुए हम अटैच करेंगे एक के बाद एक। तो ये हमारा इस तरह से अटैच हो चुका है। इसको हम काट के निकालेंगे और इस तरह से काटने के बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ हम यहाँ पे दाब की सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए। दाब की सिलाई हमको लगाना है। तो इस तरह से हम दाब की सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से काट के निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद एक कपड़ा लेंगे इस तरह से, प्रिंट कपड़ा। ये हमारे कुर्ती का 2 इंच चौड़ा है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से बराबर करते हुए फ्रेंड हमको अटैच कर लेना है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस डिज़ाइन को। इस तरह से बराबर करते हुए हमको अटैच करना है। तो इस तरह से हम अटैच कर लेंगे और ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमको इस तरह से बराबर कर लेना है। हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और इस तरह से इंची टेप से नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 इंच हो गया ये हमारा। 1 इंच हम करेंगे इसको और बराबर करके हम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए हमको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा दूसरी तरफ का भी सिलाई हो चुका है। इसको हम काट देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमको अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी अटैच करेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में हमको 1 इंच का गैप दे देना है। तो 1 इंच हम इस तरह से गैप देते हुए इसको भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए फ्रेंड हमको इसको भी अटैच करना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए दूसरा पट्टी भी अटैच करेंगे। फ्रेंड बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो इस तरह से हमको बराबर करते हुए अटैच कर लेना है और ये हमारा अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमको दूसरे तरफ भी सिलाई लगाना है। इसको भी हम 1 इंच रखेंगे और इस तरह से हम दूसरे तरफ सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही इजी है। इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई हो गया है। इसको हम काट देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है। आप अपने फिटिंग के हिसाब से जो भी फिटिंग रखना चाहें आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बराबर करते हुए फ्रेंड बहुत ही इजी है। इस तरह से हम बराबर करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम बराबर कर लेंगे और बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाना है फ्रेंड। बहुत ही इजी है। इस तरह से हमको बराबर करते हुए सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और दोनों तरफ हम सेम मिला लेंगे। दोनों तरफ मोड़ी हम बराबर रखेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा के इसको हम अंदर की तरफ तैयार करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसको हम काट देंगे और सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमको सीधा कर लेना है। तो ये इस तरह से हम सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा हो गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस तरह से हमने दोनों तरफ इस डिज़ाइन को बना लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप ये दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए।